हेलो स्टूडेंट्स एन के क्लास में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी और उनके साथ ही साथ आप आंसर करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन द मैरिज मे बी सॉल्मलाइज बिटवीन टू हिंदूज इफ़ हमारे यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो एज बताई गई है शादी करने के लिए वो कितनी है अगर मैं ब्राइड ग्रूम की बात करूं तो ब्राइड ग्रूम कितनी एज कंप्लीट कर लेना चाहिए बताइए तो ब्राइड ग्रूम के लिए जो एज है वो है ट्वेंटी वन और ब्राइड के लिए कितनी ऐज है 18 इयर्स आपको एक बात हम और इसमें बता देते हैं आपको याद भी होगा स्टूडेंट्स हमने जो इसमें कंडीशन पढ़ी थी कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज जिसके बारे में सेक्शन फाइव में बताया गया था हमें जो कि सेक्शन फाइव से रिलेट करता है उसका ही एक पॉइंट था थर्ड पॉइंट जो कि इससे रिलेट करता है उसकी एज से रिलेट करता है उसका थर्ड पॉइंट जो है इसमें जिसमें यह बताया गया था कि शादी के टाइम पर ब्राइड ग्रूम की जो एज है वो ट्वेंटी वन ईयर्स होनी चाहिए और जो ब्राइड है उसकी एज एटीन ईयर्स होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोहिबेटेड रिलेशनशिप हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंडर प्रोईबियर्ट रिलेशनशिप को कहाँ पर बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में तो हम सभी को पता है इसको सेक्शन तीन सबसेक्शन जी में बताया गया है नेक्स्ट सरपिंडा रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाई पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि सरपिंडा रिलेशनशिप कहाँ बताई गई है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन कहाँ बताई गई है तीन सबसेक्शन एफ में बताई गई है किस तरह का रिलेशनशिप होता है मना है जिसमें शादी करने की अब वो चाहे रिलेशनशिप हाफ यूट्री ब्लड फुल ब्लड एडोपन कैसे भी हो ऑल एव नेक्स्ट अ मैरिज सोल माइन्स बिटवीन टू पर्सन हु आर रिलेट टू ईच अदर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोईबेटेड रिलेशनशिप किससे रिलेट कर रहे हैं वो प्रोईवेटेड रिलेशनशिप से रिलेट कर रहे हैं तो अगर ऐसी कोई मैरिज होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा ऐसी मैरिज वॉइड मानी जाएगी कहाँ बताया गया है कि ऐसी मैरिज वॉइड है सेक्शन एलेवन में हिंदू मैरिज एक्ट की और आपको पता भी है हम एक पढ़ रिलेट भी कर चुके हैं जो सेक्शन फाइव है जिसमें कंडीशन बताई गई हैं उसकी जो कंडीशन फोर्थ है वो भी यही कहती है कि जो शादी हो रही है जो मैरिज हो रही है हिंदू मैरिज उसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज होना मना है आंसर मिल गया आपको इसका नेक्स्ट कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज कहाँ पर बताई गई है अभी बात हम उसी कर रहे थे सेक्शन फाइव में फाइव कंडीशन बताई गई हैं नेक्स्ट सेक्शन सेवन जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो किससे रिलेट करता है वो रिलेट करता है सैरोमनीज सेरोमनीज ऑफ मैरिज से रिलेट करता है क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज कहाँ पर है इससे रिलेटेड सेक्शन सेक्शन एट है वर्ल्ड मैरिज कहाँ पर बताई गई हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन एलेवन में क्या बताई गई हैं वर्ल्ड मैरिज में हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसी मैरिज होती है जो कि सेक्शन फाइव की जो कंडीशन है पहली फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन उनको वायलेट करती है तो ऐसी जो मैरिज होती है वो सेक्शन 11 के तहत एक वॉइड मैरिज मानी जाती है क्वेश्चन रेमेडी ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हमने पहले भी कहा था ये किससे रिलेट करता है सेक्शन नाइन से रिलेट करता है और ये रेमेडीज हस्बैंड वाइफ में से दोनों को मिलती है क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन बनता है जुडिशल सेपरेशन की डिग्री कहाँ पर है सेक्शन टेन में है अब क्वेश्चन एक ये बनता है कि जब जुडिशल सेपरेशन की डिग्री मिल जाती है पार्टीज को तो क्या उनकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है या फिर डिसॉल्व नहीं होती है आंसर क्या होगा आंसर यही होगा कि उनकी मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है उनकी मैरिज सब्सिस्ट रहती है अगर डाइवोर्स हो जाता है डिग्री ऑफ डाइवोर्स मिलता है तब हाँ मैरिज डिजोल्व हो जाती है लेकिन क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि डिक्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन पे क्या होता है तो आंसर होगा मैरिज डिजोल्व नहीं होती है मैरिज सब्सिस्ट रहती है आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहाँ पर आज ये क्लास कंप्लीट हो जाती है